P, Q, R, S, T, U, V, and W are sitting around the circle and are facing the center. ये persons हैं जो कि एक circle में हैं बैठे हुए और इनका face जो है उस circle के center की तरफ है. Condition दी गई हैं P is second to the right of T who is the neighbor of R and V. P जो है वो right side पर है two places, second position पर है T के. अगर हम T को यहाँ रखते हैं और इसका फेस इन साइड है तो इसकी राइट साइड होगी इस साइड पर. तो सेकंड पोजीशन यानी कि फर्स्ट और ये सेकंड पर हमने P रख दिया और T खुद R और V का नेबर है. तो T अगर R और V का नेबर है तो एक साइड पर R और एक साइड पर V आ गया. अब ये दोनों का नेबर होगा क्योंकि T दरमियान में आ गया है. S इज़ नॉट द नेबर ऑफ P, P के साथ S नहीं आएगा, S प्लस P नहीं होगा. V is the neighbor of U. U V का neighbor है U. अब V के neighbor में एक side पर T है तो दूसरे side पर हम U को ले आते हैं ताकि ये condition पूरी हो जाए. Q is not between S and W. Q S और W के दरमियान नहीं आएगा तो हम इसको एक side पर रखते थे क्योंकि तीन places बची हुई हैं. उनमें से W अगर इधर आ जाएगा तो ये दरमियान में आएगा, इसलिए हमने Q को एक side पर रख दिया. तो अब ये S और W के दरमियान नहीं है. W is not between U and S. इसी तरीके से U और S के दरमियान W नहीं है तो हमने इसको इधर रखा है. Which one is immediate right to V? Right to V. V का face अगर center की तरफ है तो इसका right side होगा इधर. तो immediate right of V कौन है? ये है T. जो कि ये नज़र आ रहा है कि ये इमीडिएट राइट पर टी मौजूद है जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है. इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी.